चलिए भाई आज ही शाम 6 बजे स्टार्ट हो चुकी है छत्तीसगढ़ विशेष बैच नदी अफवाह तंत्र। ये जो क्लासेस स्टार्ट हो रही है आपके पुलिस भर्ती, फॉरेस्ट गार्ड, बिन पटवारी, एडीओ, आबकारी विभाग, छत्तीसगढ़ में जितने कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उसके लिए बेनिफिट है। जो CGPSC व्यापम कंडक्ट कराते हैं, मेन जो सिलेबस रहता है छत्तीसगढ़ का, उसमें का एक टॉपिक है नदी अफवाह तंत्र। तो जो आपके आगामी एग्जाम जैसे फॉरेस्ट गार्ड फिजिकल जो लोग तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बेस्ट है। आज से प्रारंभ किया गया है नदी अफवाह तंत्र। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्वेश्चन भी करेंगे, थ्योरी भी करेंगे, मैप के साथ भी करेंगे, पूरा आपको रिवाइज आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद क्लास स्टार्ट करेंगे। ये आपका पहला क्लास देखेंगे नदी अफवाह तंत्र का पूरा। आपको लगभग लगभग मैं आपको पूरे सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा, इसका आंसर क्वेश्चन भी कराऊंगा, साथ ही जितने भी टॉपिक है इसके ट्रिक भी बताऊंगा कि छत्तीसगढ़ की नदी अफवाह तंत्र में 5 भागों में बांटा गया है, ठीक है, जिसमें उसकी सहायक नदियां, जलप्रपात। हाँ बिल्कुल, सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, पहली क्लास है नदी अफवाह तंत्र का, बिल्कुल टॉपिक वाइज कराया जाएगा। ये वीडियो आपको मैं नहीं कहूंगा कि आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिसको पसंद है वही सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, क्लास कंडक्ट करें, ठीक। एक विशेष बैच है प्रारंभ किया है, इसका देखिए ट्रिक मैं बताऊंगा। संगम है, बांध से पूछे जाते हैं, परियोजनाएं से पूछे जाते हैं, बैराज से प्रश्न पूछे जाते हैं, पूरा टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर भी इस वीडियो में आपको मिलेगा, मैप भी देखने को मिलेगा, इसकी सहायक नदी, पूरा इसके उत्तर की ओर बहने वाली नदी, दक्षिण की ओर बहने वाली नदी, सभी टॉपिक, साथ ही इसके क्वेश्चन आंसर और सहायक नदी पूरा आपको कराऊंगा। और ये मैप आप देख रहे होंगे, ये बिल्कुल मैप आप देख रहे होंगे, मैं बिल्कुल इसकी मैप पूरा आपको पूरा कराऊंगा, कहाँ से कैसे बह रही है पूरा टॉपिक वाइज कराया जाएगा, ठीक है। क्लास शुरू करने से पहले जो लोग व्यापम जैसे प्रयोगशाला परिचारक, अमीन पटवारी का आने वाला है, साथ ही अभी आपका कौन सा क्लासेस चल रही है छत्तीसगढ़ का, जिसमें फॉरेस्ट गार्ड और आपके पुलिस भर्ती SI का क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, तो छत्तीसगढ़ के टॉपिक जैसे एडीओ, सभी लोग कह रहे थे कि एडीओ का सिलेबस, मैंने आपको एडीओ का सिलेबस बता दिया है, इसका वैकेंसी बहुत जल्द वित्त विभाग से देखने को मिलेगा, ठीक है, तो व्यापम के वेबसाइट पर देखने को मिलेगा। फिर अभी क्लासेस है व्यापम में, तो आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा छत्तीसगढ़ का। चलिए शुरू करें, फिर सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, चलिए सभी लोग आंसर देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। एक बात सबसे पहले आप लोग ये बताइएगा, महानदी के बारे में जानते क्या है। महानदी जो सबसे पहले नदी जो अपवाह तंत्र है उनको 5 भागों में बांटा गया है, ठीक है, कौन कौन सा, महानदी, गोदावरी नदी, सोन नदी, ब्राह्मणी नदी, साथ ही आपको सबसे छोटी नदी है नर्मदा नदी, 5 भागों में विशेषकर उसको बांटा गया है। तो पहला टॉपिक आपका रहेगा, पहला टॉपिक आपका रहेगा महानदी अफवाह तंत्र। जो महानदी अफवाह तंत्र है ये नोट एक बार देखेंगे, महानदी अफवाह तंत्र छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है, जो कुल अफवाह तंत्र का लगभग 56.15% भाग फैला हुआ है। कितना प्रतिशत? 56.15% भाग फैला हुआ है। इसका PDF आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगा, और व्हाट्सएप ग्रुप इस यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दिया गया है, ठीक। चलिए जल्दी से कमेंट करके, महानदी अफवाह तंत्र छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है, और यह कुल अफवाह तंत्र का लगभग 56.15% फैला हुआ है। इसका विस्तार लगभग 77,432 वर्ग फीट है। इसका जो ढाल है पूर्व की ओर है, अगर एग्जाम पूछ लिया कि महानदी अफवाह तंत्र का जो ढाल है किस दिशा में बह रही है, तो आप बताएंगे पूर्व दिशा। और सभी लोग अब आंसर यहाँ कमेंट करना स्टार्ट करेंगे, महानदी का उद्गम कहाँ है, तो महानदी का उद्गम कहाँ है, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे, सभी लोग आंसर देने का प्रयास, सभी लोगों का आंसर आना चाहिए, बिल्कुल हाँ। चलिए बताइए महानदी का उद्गम कहाँ है, तो महानदी का उद्गम है आपका सिहावा पर्वत, सिहावा पर्वत, ठीक है, नोट करते चलेंगे, सिहावा पर्वत के फरसिया नामक स्थान, कहाँ, फरसिया नामक
स्थान पर, यानी कि धमतरी। याद रखेंगे जितने भी टॉपिक करा रहा हूँ एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए इसका मुहावना बताइए, महानदी का जो मुहावना है विसर्जन कहाँ होता है? कटक। कटक, इसका नोट आपको मिलेगा जी, बिल्कुल कटक उड़ीसा राज्य, नोट करते चलेंगे उड़ीसा राज्य। इसकी लंबाई कितनी है? तो महानदी की लंबाई 858 किलोमीटर, टोटल पूछा जाए 858 प्लस अगर छत्तीसगढ़ में बहने वाली पूछी जाए तो 286। याद रखना 286 किलोमीटर कुल लंबाई पूछा जाएगा 858, जबकि छत्तीसगढ़ में 286 किलोमीटर। यहाँ तक क्लियर समझ में आया? जिनको यहाँ तक समझ में नहीं आया कमेंट करके पूछ सकते, डाउट हो बिल्कुल। चलिए इसकी तटस्थल की मैंने बात करूं तो तटस्थल बताइए ये कौन कौन से जिलों से गुजरता है? राजिम, गरियाबंद जिला से, महासमुंद, हाँ सिरपुर, महासमुंद से, पलारी, बलौदा बाजार, शिवरी नारायण व चंद्रपुर, जांजगीर चांपा। ठीक है, इतने तटस्थल इसके। सबसे पहले आप याद रखेंगे इसका महानदी, ठीक है, महानदी जो है गरियाबंद जिला, इसको याद रखेंगे। इस प्रकार मैं लिख रहा हूँ, नोट करते चलेंगे, महासमुंद जी बिल्कुल। 1 मिनट ना थोड़ा सा वेट करेंगे, इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ, डायरेक्ट मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, ठीक है, आप लोग इंग्लिश में समझ जाएंगे। चलिए ऐसे कर देता हूँ, राजिम, ठीक, ये आपका राजिम हो गया, गरियाबंद, इस प्रकार समझ जाएंगे, राजिम, गरियाबंद, सिरपुर, सिरपुर कहाँ है आपका? महासमुंद, ठीक, इस प्रकार छोटा छोटा इस प्रकार करता हूँ, समझ जाएंगे, राजिम, गरियाबंद, सिरपुर, महासमुंद, पलारी, आपका जगह पलारी, बलौदा बाजार, ठीक, बलौदा बाजार, पलारी, बलौदा बाजार, आपका आ जाएगा शिवरी नारायण, ठीक, शिवरी नारायण और प्लस चंद्रपुर, ये आपका कहाँ जाएगा? जांजगीर चांपा में, जांजगीर चांपा में, ठीक, ये आपका तटस्थल हो गया। विस्तार, अब विस्तार के बारे में बात करूँ तो जो विस्तार है आपका ये छत्तीसगढ़ के मैदानी भाग में, छत्तीसगढ़ का मैदानी भाग, मैदानी भाग में, ठीक, यहाँ तक पूरा क्लियर हुआ? जितने भी टॉपिक करा रहा हूँ ये एक बार नोट करेंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। प्रमुख प्रवाह जिला कौन सा है? कौन सा जिला है जी? तो ये आपका कौन सा जिला है? चलिए बताएंगे जिला कितने जिलों से होकर गुजर रहा है, तो ये आपका धमतरी, ठीक, धमतरी, इसके बाद आपका आ जाएगा कोर, हाँ कांकेर, धमतरी, उसके बाद कांकेर 9 जिले से होकर गुजरता है, याद रखेंगे धमतरी कांकेर, ठीक। चलिए नोट करते बताएंगे, चलिए जल्दी जल्दी आप लोग जिसको मालूम है कमेंट करके बताएंगे। बालोद, ठीक, धमतरी, कांकेर, बालोद और रायपुर, ठीक, चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करके बताते चलेंगे। रायपुर, उसके बाद आपका कौन सा जाएगा? गरियाबंद, ठीक, और किसको मालूम है बताइए। गरियाबंद के बाद आपका जाएगा महासमुंद, महासमुंद के बाद कौन सा आ जाएगा आपका? बलौदा बाजार, महासमुंद के बाद या आपका जांजगीर चांपा माता है, ये ऐसा लिखेगा जी, 1 मिनट तो हम क्लियर करते हैं, इसको भी क्लियर कर देते हैं। चलिए महासमुंद के बाद कौन सा है आपका? लवजा बाजार, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल बलौदा बाजार हो गया। इसके बाद आपका आ जाएगा कौन सा है? जांजगीर चांपा और रायगढ़,
कितने दिन है? एक मिनट, नाम जिला से होकर गुजरता है। ठीक, यहाँ तक क्लियर समझ में आया? यहाँ तक जिसको समझ में आया कमेंट करके बताएंगे। चलिए, बिल्कुल देखिए, जो मोहना मैंने बता दिया, विस्तारा को बता दिया, प्रवाह जिला धमतरी, कांकेर, बालोद, रायपुर, गरियाबंद, महासमुंद, बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा, रायगढ़, ये 9 जिले से होकर गुजरता है महानदी। ठीक, नामकरण देखेंगे। चलिए सभी लोग कमेंट करके बताएंगे प्राचीन नाम क्या है, महानदी का प्राचीन नाम क्या है। तो महानदी का प्राचीन नाम कनक नंदनी है, कनक नंदनी। ठीक, प्राचीन नाम क्या है? कनक नंदनी। चलिए सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, कौन कौन जिसको मालूम है, सभी लोग, आप सभी के लिए क्वेश्चन है, सभी लोग जल्दी से बताएंगे महानदी का प्राचीन नाम क्या है। महानदी का प्राचीन नाम कनक नंदनी। महानदी का प्राचीन नाम क्या है? कनक नदी। ठीक, इसके बाद है सतयुग में, यानी कि वायु पुराण में क्या कहा जाता है इसको? नीलोत्पला। जिसको मालूम है कमेंट करके बताएंगे, नीलोत्पला। ठीक, नीलोत्पला। उसी प्रकार द्वापर युग में क्या कहा जाता है? देखिए, प्राचीन नाम इसका है कनक नंदनी, सतयुग में, वायु पुराण में इसको नीलोत्पला, द्वापर युग में, स्कंद पुराण में क्या कहा जाता है? चित्रोत्पला। ठीक है, क्या कहा जाता है? चित्रोत्पला। ठीक, वर्तमान में क्या जाता है? वर्तमान नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वर्तमान में महानदी के नाम से जाना जाता है। तो नामकरण देखें, प्राचीन नाम कनक नंदनी, सतयुग यानी कि वायु पुराण में नीलोत्पला, द्वापर यानी कि स्कंद पुराण में चित्रोत्पला, वर्तमान में महानदी, छत्तीसगढ़ की गंगा यानी कि जीवन रेखा किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ की गंगा जीवन रेखा महानदी को कहा जाता है, महानदी। एग्जाम में जितने भी है सभी यहां से क्वेश्चन बनते हैं। प्रमुख सहायक नदी देखेंगे, जो प्रमुख सहायक नदी है उत्तर की ओर और दक्षिण की ओर। तो देखिए, प्रमुख जो सहायक नदी है महानदी का, तो उत्तर की ओर कौन कौन सी सहायक नदी है, इसको शॉर्ट ट्रिक में आपको बता दें, इसको अच्छे से याद कर लेंगे ट्रिक के माध्यम से। प्रमुख सहायक नदी तो देखेंगे, शिवनाथ नदी, हसदेव नदी, बोराई नदी, मांड नदी, केलो नदी और इब नदी। ये आपका स्पेलिंग में आपको मैं दिया हूँ, इसको ट्रिक से याद करेंगे, फिर से एक बार मेरे साथ दोहराएंगे। शिवनाथ नदी, हसदेव नदी, बोराई नदी, मांड नदी, केलो नदी और इब नदी। उसी प्रकार दक्षिण की ओर है आपका दूध नदी, सिलहारी, पैरी, सुनरू, सूखा, जोंक, लाख। ये ऐसे याद, ये ट्रिक है। ठीक, ये ट्रिक आपको समझ में आया? शिवनाथ नदी जो है सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो कि छत्तीसगढ़ में 290 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, इसका संगम के बारे में बात करूं तो संगम है, ठीक है, जो संगम है आपका गरियाबंद जिला में है, ये आपका महानदी, पैरी नदी और सोनढूर नदी। ये ट्रिक आपका ऐसे याद करना है, एग्जाम में अच्छे से अगर याद हो जाए तो। महानदी का जो संगम है, 3 नदियों का संगम है, राजिम, गरियाबंद जिला जो कि आपका महानदी, पैरी और सोनढूर से संबंधित है, शिवरी नारायण का है, जांजगीर चांपा जिला में, महानदी, शिवनाथ नदी और जोंक नदी। ये जो जोंक नदी है आपका उड़ीसा राज्य से बहती है, उड़ीसा राज्य से मिली हुई है। ठीक है, तो महानदी आपका हो गया, शिवनाथ नदी और जोंक नदी। ठीक, चंद्रपुर, जांजगीर चांपा, महानदी, मांड नदी और लाख नदी। ये ट्रिक है, एक बार अच्छे से इसको याद करके जाएंगे। ठीक, क्लियर आपको समझ में आया यहाँ तक? चलिए, यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे बांध, बांध से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, जो बांध हीराकुंड बांध, सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध।
हीराकुंड बांध जो सबसे लंबा बांध है, जो कि भारत का सबसे लंबा बांध है। कौन से? भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। ये उड़ीसा से संबलपुर के समीप है, ठीक है। हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध है हीराकुंड के समीप। परियोजना देखेंगे, एग्जाम में बनते हैं। रुद्री बैराज परियोजना कहाँ पर स्थित है, चलिए बताएंगे। रुद्री बैराज परियोजना धमतरी जिले में महानदी पर स्थित है। रुद्री बैराज परियोजना धमतरी जिले में महानदी पर स्थित है। आप सभी के लिए क्वेश्चन है, आपको कमेंट करके बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। परियोजना का दूसरा है क्वेश्चन है, दुधवा जलाशय कहाँ स्थित है, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। दुधवा जलाशय कहाँ स्थित है, सभी लोग जो लोग वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो में सभी लोग जो लोग बोलते हैं ना कि सर नोटिफिकेशन कब आएगा कब आएगा, वो लोग आंसर देंगे। आप इतने समझते हो ना छत्तीसगढ़ का, पूरा तैयारी कर लिए। आप बताओ कमेंट करके दुधवा जलाशय कहाँ है, दुधवा जलाशय कहाँ है, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। दुधवा जलाशय धमतरी जिला महासमुंद जिला में, गंगरेल बांध छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा बांध गंगरेल बांध कहाँ स्थित है। रविशंकर जलाशय 1989 धमतरी जिले के महानदी पर ही स्थित है। सभी ये तीनों जो बैराज है परियोजनाएं हैं धमतरी जिले में ही स्थित है, ठीक है। रविशंकर जलाशय गगरेल बांध, रविशंकर जलाशय जो कि 1989 में इसको परियोजना स्थापित किया गया था, ठीक। कोई यहाँ पर डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए बैराज देखेंगे, जो कि 6 प्रकार के बैराज हैं। समोदा बैराज रायपुर रायपुर जिला में, तिवरी नारायण जांजगीर चांपा, ताराडीह बैराज, बसंतपुर बैराज, भिरौनी बैराज, कलमा बैराज, ये आपका पूरे जांजगीर चांपा जिला में स्थित है। तो ये जो बैराज है एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, समुद्री बैराज, समोदा बैराज, शिवरी नारायण बैराज, साराडी बैराज, बसंतपुर बैराज, भिरौनी बैराज, कलमा बैराज, ये जांजगीर चांपा में स्थित है, जबकि समोदा बैराज रायपुर में स्थित है। बाकी जितने भी बैराज है, बाकी समोदा बैराज को छोड़कर, ये सभी जांजगीर चांपा जिले में स्थित है, ठीक है। यहाँ तक आपको पूरा क्लियर समझ में आया, यहाँ तक आपको पूरा क्लियर समझ में आया तो आगे बढ़ो, ठीक। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन, आप सभी के लिए फटाफट कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी कौन है? छत्तीसगढ़ का सबसे लंबी नदी महानदी। चलिए जिसको याद नहीं है यहाँ पर लिख लेंगे, नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट कर लेंगे। छत्तीसगढ़ का सबसे लंबी नदी, नदी छत्तीसगढ़ में बहने वाली लंबी नदी कौन सी है? छत्तीसगढ़ में बहने वाली ये पूछा है, सबसे लंबी नदी, लेकिन बहने वाली पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? बहने वाली छत्तीसगढ़ में सबसे लंबी नदी शिवनाथ नदी। कौन सी है? शिवनाथ नदी कितना किलोमीटर है? 290, ठीक, 290। महानदी कितना है? 858। छत्तीसगढ़ में 286, शिवनाथ नदी 290, ठीक। यहाँ तक क्लियर समझ में आया? महानदी और इंद्रावती नदी जल विभाजक पर्वत का नाम बताएंगे। महानदी और इंद्रावती के मध्य जल विभाजक पर्वत है आपका केशकाल घाटी। कौन सा है? केशकाल घाटी, बिल्कुल सही जवाब, केशकाल घाटी। एक ही वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट कर देंगे। राज्य का सबसे लंबा बांध, राज्य का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? स्वर्गीय राज्य का सबसे लंबा सड़क पुल है जिसकी लंबाई कितनी है, इसकी जो लंबाई है 1830 किलोमीटर, ठीक, याद रखना 1830 किलोमीटर। राज्य का सबसे लंबा पुल, लंबा बांध, ये आपका 1830 किलोमीटर राज्य का सबसे लंबा सड़क पुल है, ठीक है। इसको स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव सेतु के नाम से जाना जाता है, स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव, ठीक, याद रखना जुदेव, स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव। महानदी की सहायक नदी और उसके परियोजनाएं, चलिए देखते हैं महानदी की सहायक नदी और उसकी परियोजनाएं, जो कि दक्षिण की ओर सहायक नदी है।
ठीक है, ये दक्षिण की ओर सहायक नदियां हैं, दक्षिण की ओर। ठीक है, तो दक्षिण की ओर सहायक नदी देख रहे हैं, सभी लोग आंसर देने का प्रयास करेंगे फटाफट, सभी लोग के लिए, सभी लोग जल्दी जल्दी इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। दक्षिण की ओर महानदी की जो सहायक नदी और परियोजना है, सबसे पहले हम देखेंगे दूध नदी। दूध नदी का देखेंगे, दूध नदी का उद्गम कहाँ है, के विसर्जन, प्रवाह क्षेत्र, जल प्रपात। ठीक, तो दूध नदी का उद्गम कहाँ है, सभी लोग कमेंट करना स्टार्ट करेंगे, सभी लोगों को आंसर आना चाहिए। दूध नदी का उद्गम है आपका मलाज कुंडम की पहाड़ी, मलाज कुंडम। ठीक, मलाज कुंडम की पहाड़ी, मलाज कुंडम की पहाड़ी में। ठीक, मलाज कुंडम की पहाड़ी कांकेर में। ठीक, विसर्जन कहाँ है, महानदी में। विसर्जन कहाँ होता है जी, महानदी में ही विसर्जन होगा। ठीक, किसकी सहायक नदी है, महानदी की सहायक नदी है दक्षिण की ओर, तो विसर्जन कहाँ होगा, महानदी में होगा। प्रवाह क्षेत्र बताएंगे, प्रवाह क्षेत्र कहाँ है, तो प्रवाह क्षेत्र अभी आपको बताया कांकेर। दूध नदी कहाँ है, कांकेर में। प्रवाह कहाँ हो रहा है, जल प्रपात, मलाज कुंडम जल प्रपात। अभी हम पढ़े उद्गम कहाँ है, मलाज कुंडम। क्या आएगा, जलप्रपात कौन सा है, मलाज कुंडम। ठीक, एक बार फिर से पढ़ लो, दूध नदी उद्गम है मलाज कुंडम की पहाड़ी कांकेर में, विसर्जन है आपका महानदी, प्रवाह क्षेत्र है कांकेर, जलप्रपात है मलाज कुंडम। यहां तक याद हो गया, सिलियारी नदी देखेंगे, एग्जाम पूछता है सिलियारी नदी का क्या आएगा, माडम सिल्ली जलाशय। क्या आएगा, माडम सिल्ली, माडम सिल्ली। ठीक, माडम सिल्ली आएगा इसका, याद रखना माडम सिल्ली कहाँ पर है, 1923 धमतरी जिला, 1923 धमतरी में। ठीक, अब देखेंगे सोंडूर का, सोंडूर का उद्गम कहाँ है, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। सोंडूर का नवरंगपुर जिला, कोरापुट, ओडिशा। ठीक है, सोंडूर का कहाँ है, नवरंगपुर। सोंडू का उद्गम है नवरंगपुर, नवरंगपुर। ठीक, नवरंगपुर। ठीक, कोरापुट, जिला कोरापुट में। विसर्जन कहाँ है, बैरी नदी, बैरी नदी। ठीक, परियोजना, तो परियोजना देखेंगे कहाँ है परियोजना इसका, सोंडूर परियोजना। जब सोंडूर है तो सोंडूर परियोजना ही होगा। पैरी नदी का देखेंगे, चलिए पैरी नदी का प्राचीन नाम क्या है, कमेंट करके बताओ जल्दी जल्दी, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे पैरी नदी का प्राचीन नाम क्या है, पैरी नदी का प्राचीन नाम क्या है, पलाशनी नदी, पलाशनी। ठीक, पैरी नदी का प्राचीन नाम पलाशनी नदी, इसकी सहायक नदी कौन सी है, सोंडूर। सहायक नदी है आपका सोंडूर। परियोजना कौन सी है, सिकासार परियोजना, सिकासार परियोजना, सिकासार परियोजना। ठीक, यहां तक क्लियर समझ आया, पैरी नदी का प्राचीन नाम पलाशनी नदी, सहायक नदी सोंडूर, परियोजना सिकासार परियोजना। सुखा नदी की सहायक नदी कौन सी है, चलिए बताएं सुखा नदी की सहायक नदी कौन सी है, तो सुखा की सहायक नदी है कोडार नदी। कौन सा है, कोडार। ठीक, सुखा नदी की सहायक नदी कोडार नदी, कौन सा है, सुखा नदी की सहायक नदी कोडार नदी। ठीक है, अब यहाँ तक क्लियर हो गया, परियोजना देखेंगे, परियोजना है कोडार परियोजना, शहीद वीर नारायण सिंह, महासमुंद जिला। एक बार फिर से कवर करेंगे, पैरी नदी का प्राचीन नाम है पलाशनी, सहायक नदी सोंडूर, परियोजना सिकासार परियोजना, सुखा नदी की सहायक नदी कोडार नदी, कोडार नदी के जो परियोजना है उसके नाम से जाना जाता है, जबकि शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना है महासमुंद जिला में अवस्थित है। लात नदी, महानदी की दक्षिण की ओर ये सहायक नदी देख रहे हैं, इसके बाद हम उत्तर की ओर सहायक नदी देखेंगे, उसके बाद मैप देखेंगे,
लात नदी का उद्गम कहाँ पर है? तो लात नदी का उद्गम है सकन की पारी। सकन की पारी कहाँ है? सकन की पहाड़ी। ठीक, पहाड़ी, रदन की पहाड़ी। रदन की पहाड़ी कहाँ है? तराई पाली। ठीक है, लात नदी उद्गम है रदन की पहाड़ी। ये जो आपका है लात नदी, याद रख, तराई पाली, तराई पाली, तराई पाली महासमुंद जिला में। जिला में जो लात नदी है आप उद्गम रदन की पहाड़ी में, महासराई पाली महासमुंद जिला में। विसर्जन इसका कहाँ? चंद्रपुर में। विसर्जन कहाँ होता है जी? चंद्रपुर। और चंद्रपुर कहाँ है? जांजगीर चांपा। ठीक, चंद्रपुर कहाँ है आपका? जांजगीर चांपा जिला में। इतना याद हो गया? लात से कैसे याद रखोगे? लात नदी का उद्गम है रतन की पहाड़ी। विसर्जन कहाँ होगा? चंद्रपुर में, जांजगीर चांपा जिला, तराई वाले महासमुंद से मिला हुआ है। बलमदेही नदी आता है, बलमदेही नदी का उद्गम है देवभू। और देवभू कहाँ है? गरियाबंद जिला में। जलप्रपात है सात देवधारा जलप्रपात महासमुंद जिला में स्थित है। याद रखेंगे, बलमदेही जो नदी है इसका उद्गम देवभोग गरियाबंद जिला में स्थित है। जलप्रपात सात देवधारा जलप्रपात महासमुंद जिला में स्थित है। अब यहाँ से हम कवर करेंगे महानदी के उत्तर की ओर सहायक नदियाँ। ठीक है, हमने अभी देखा दक्षिण की ओर सहायक नदी, अब हम देखेंगे उत्तर की ओर सहायक नदी। यहाँ देखेंगे ये उत्तर को इधर मैं डिलीट कर देता हूँ, इस प्रकार यहाँ लिखेंगे उत्तर की ओर सहायक नदी। महानदी के उत्तर की ओर सहायक नदी में सबसे पहले शिवनाथ नदी देखेंगे। क्या क्या देखे थे सहायक नदी? कौन कौन से? शिवनाथ नदी, हसदेव नदी, बोराई नदी, मांड नदी, केलो नदी और ईब नदी। और जो ईब नदी है वहां रेत के कण, सोने के कण पाए जाते हैं, मालूम है ना? सोने के कण पाए जाते हैं ईब नदी में। ठीक है, शिवनाथ नदी इसकी लंबाई कितनी है? 290 किलोमीटर। पूरा हम आपको बताएंगे शिवनाथ नदी के बारे में। ठीक, चलिए शिवनाथ नदी के बारे में देखेंगे। तो शिवनाथ नदी जो है गोडरी गांव में, गढ़चिरौली महाराष्ट्र, गोडरी गांव, इसका उद्गम कहाँ है शिवनाथ नदी का? गोडरी गांव के गढ़चिरौलीगढ़ में स्थित है। ठीक, ये इसका मुहाना शिवरी नारायण के निकट, इसका जो है शिवरी नारायण के निकट महानदी। इसका जो पूर्व उद्गम था वो आपका 12 बरस की पहाड़ी अंबागढ़ चौकी में था, लेकिन जो शिवनाथ नदी का उद्गम अभी है गोडरी गांव के गढ़चिरौली महाराष्ट्र में। ठीक, लंबाई 290 किलोमीटर। प्रवाह जो क्षेत्र है 7 जिलों से होकर गुजरता है। कौन कौन से क्षेत्र से गुजरता है? 7 जिलों से होता है। इसका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, सभी लोग जो लोग वीडियो देख रहे हैं। प्रवाह जो क्षेत्र है 7 जिलों से होकर गुजरता है शिवनाथ नदी, इसका आप लोग कौन कौन से जिला से गुजरता है, साथ कौन कौन से वो 7 जिला है उसको आप लोग कमेंट करके। चलिए अब शिवनाथ नदी की सहायक नदी देखेंगे। तो सहायक नदी में क्या क्या आ जाता है यहाँ पर देखेंगे आप। आमनेर नदी, आप नदी, मनियारी नदी, अरपा नदी और लीलागढ़ नदी उत्तर की ओर। दक्षिण की ओर देखेंगे खरखरा नदी, तांदुला, खारून, यमुनिया। और ये जो खारून है आपका रायपुर में स्थित है। खरखरा नदी से एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, खारून नदी से पूछा गया है, आमनेर से पूछा गया है, लीलागढ़ से पूछा गया, मनियारी नदी से पूछा गया है। मनियारी नदी यानी कि तालागांव, वहां से देवरानी जेठानी का मंदिर वाला आपको पूरा टॉपिक कवर करा। ठीक, यहाँ देखेंगे सहायक नदी आमनेर, हाप, मनियारी, अरपा, लीलागढ़, खरखरा, तांदुला, खारून और जमुनिया, ये सहायक नदी है। परियोजना मैंने आपको बताया था जो मोगरा बैराज परियोजना राजनांदगांव जिला में अवस्थित है, एक बार नोट कर लेंगे। यहाँ तक जिसको समझ में नहीं आया कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई डाउट है यहाँ पर तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। डेली क्लास चालू हो चुका है, शाम 6 बजे की क्लास प्रारंभ हो चुकी है। के लिए आप देखेंगे लास्ट में मैप, मैप देखेंगे। ये आप देख पा रहे हैं गोडरी की पहाड़ी, ये मैप है आपका। ठीक, ये आपका पिपरिया, पिपरिया, आमनेर, मुस्का, ये आपका खैरागढ़ है, ये देख पा रहे हैं खैरागढ़। ये आपका चौक है, कौन सा चौक है जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, खैरागढ़ चौक।
या आप यहाँ पर जाएंगे खैरागढ़ चौक मिलेगा, मैं लाल कलर से पूरा इसको लिंक कर दिया। ठीक, एक बार देखेंगे गोडरी की पहाड़ी से यहाँ से निकलती हुई ये पहाड़ है, ये मुस्का, आमनेर और पिपरिया, ये जो चौरा है कौन सा चौरा है, नाथ घाट का चौरा। ठीक, यहाँ से नांद घाट ये आपका जाएगा, एन दिख रहा होगा आपको, ये इस प्रकार एन में आपको बना दिया हूँ सिंबल करके, एन बना हुआ है, ये आपका नांद घाट है, क्या है, नांद घाट। ठीक, नांद घाट है, ये नीचे में आप खरखरा बांध देख रहे हैं, ये इस प्रकार मैंने बता दिया है खरखरा बांध नीचे की ओर। उसके बाद देखेंगे एस का सिंबल लगा हुआ है, यहाँ पर एस का सिंबल लगा हुआ है, एस का सिंबल मतलब सोमनाथ। ठीक, सोमनाथ याद रखना। ये इधर देखेंगे टेसुआ की पहाड़ी, आगर नदी, बुढ़िया बांध, मनियारी नदी, ये आपका एक छोटी नदी इधर एक आएगा छोटी नदी। ठीक, आपको मनियारी, बुढ़िया, आगर और टेसुआ, और जब यहाँ से थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो नीचे की ओर एक मतलब तांदुला परियोजना। ठीक, यहाँ पर इसके बाद है पेटे चुआ की पहाड़ी, ये आप यहाँ से एक निकलेगा पेटे चुआ की पहाड़ी नीचे की ओर, ये जो पहाड़ी अवस्थित दिख रहा है ये आपका पहाड़ है। ठीक है, कौन सी है, पेटे चुआ की पहाड़ी। यहाँ तक क्लियर समझ में आ रहा है ना, कमेंट करके बताएंगे और वीडियो को लाइक अवश्य करें। ठीक, तो देखेंगे पेटे चुआ की पहाड़ी, इसके बाद खारून नदी इधर है और जमुनिया नीचे में है, और यहाँ से देखेंगे जो एम करके सिंबल बनाया हूँ, ए है आपका सिंबल बना हुआ मानिक चौरा, एम करके जो सिंबल बना है आपका मानिक चौरा है, कौन सा चौरा है, मानिक चौरा है, तो मैं सिंबल बनाया हूँ उसको याद रखना, पहले सोमनाथ घाट, सोमनाथ, मानिक चौरा, ऊपर में आप देखेंगे जो छोटी नदी है ये यहाँ पर आ जाएंगे, ये एस करके दिखा सिंबल, ये आपका शिवनाथ नदी है। ठीक है, शिवनाथ नदी है, और यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो लात नदी आपको मिलेगा, थोड़ा यहाँ पर देखेंगे सॉरी लीलागढ़ नदी मिलेगा, लीलागढ़ नदी मिलेगा, और लीलागढ़ नदी ये शिवनाथ है, और जस्ट इसके नीचे आपको जोग नदी है जो आपको मिला हुआ है। ठीक है, शिवनाथ नदी, लात नदी, ये मैंने आपको बताया ना संगम वाला, तो जो महानदी है तीन नदियों का संगम है, कौन कौन सा, महानदी, शिवनाथ नदी और जोग नदी। ठीक, ये तीनों मिलकर संगम बनाता है कौन सा, महानदी का, ये आपको यहाँ पर देखने को मिल गया, ये यहाँ से मिलेगा शिवनाथ नदी, ऊपर की ओर है लीलागढ़ नदी, शिवनाथ नदी और ये जोंक नदी, ये आपको पूरा क्लियर समझ में आया होगा। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट में गोदावरी नदी। ठीक, गोदावरी नदी याद रखना, गोदावरी नदी जो दक्षिण की ओर है, दक्षिण की ओर है। ठीक है, इसका पूरा देखेंगे, सेकंड है गोदावरी नदी, है ना, तो नदी अपातंत्र कितने भागों में बांटा गया है, पांच भागों में बांटा गया है, कौन कौन सा, महानदी, दूसरा गोदावरी नदी, तीसरा सोन नदी, उसके बाद है ब्राह्मणी नदी, उसके बाद है नर्मदा नदी, जो कि सबसे छोटी नदी नर्मदा नदी है, सबसे बड़ी महानदी छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है गोदावरी नदी, आपका दक्षिण की ओर, सोन नदी उत्तर दिशा की ओर, है ना, तो दूसरा टॉपिक आपका रहेगा गोदावरी नदी अपवाह तंत्र, जो कि कल शाम 6 बजे क्लास में देखने को मिलेगा। नदी अपवाह तंत्र से हर एक एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। फिलहाल इतना ही, जय हिंद।